Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi and welcome to everyone. This is a third part of lab environment setup. And in this video, we will learn how to install Metasploitable Linux on a Virtualbox. Let's start with this. Okay, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि what is a Metasploitable Linux? ये है क्या? Metasploitable is a vulnerable operating system है Linux का. आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि जैसे काली है, वो as a attacker के तौर पे use होगी. और जो Metasploitable है ये एज ए इसको हम लोग उसके ऑपोजिट लेंगे यानी कि ये हैकेबल मशीन होगी क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की वल्नरेबिलिटीज होंगी तो हम इसके ऊपर अटैक करेंगे इस मशीन के ऊपर और इसको ट्राई करेंगे एक्सेस करने की और हैक करने की. दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज के अंदर डिफरेंट किस्म की वल्नरेबिलिटीज हैं. अच्छा ये डिज़ाइन की गई है कि जो पेन टेस्टर हैं वो इसके ऊपर ट्राई करें और इसको हैक करने की कोशिश करें और अपने एक्सपेरिमेंट करें इस मशीन के ऊपर. हम लोग भी इसको ट्राई करेंगे मशीन को हैक करने की. वंस जब हमारा लैब का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग ट्राई करेंगे कि इस मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है या इसके अंदर जो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको कैसे हैक किया जा सकता है. और हम लोग इस मशीन को डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉलोइंग लिंक के ऊपर, ठीक है. और ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप यहाँ पर जाके इस मशीन को डाउनलोड कर सकें और फिर हम लोग इस मशीन को इंस्टॉल करेंगे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे. अच्छा इसको भी इंस्टॉल करने के लिए हमें एक्चुअली वर्चुअल मशीन ही चाहिए क्योंकि हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है. तो उसके लिए जो लिंक दिया है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप इस लिंक पर जाइएगा. दिस इज़ अ लिंक, sourceforge.net का लिंक है, प्रोजेक्ट्स और उसके आगे Metasploitable मशीन है ये. तो आपने जस्ट इस लिंक के ऊपर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है. वंस यू क्लिक हियर तो इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है. ये जो डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा ये बेसिकली आपकी zip फॉर्मेट में होगी और ये तकरीबन 850 मेगाबिट्स की फाइल है. और आप देखें यहाँ पे इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है. वंस जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी कंप्लीट तो आप इसको फिर अनजिप करेंगे तो फिर ये हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की फाइल्स आ जाएंगी. अच्छा इसको इंस्टॉल करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है. वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये जो हम लोगों ने वर्चुअल मशीन डाउनलोड की है ये बेसिकली डिज़ाइन की गई थी VMware प्लेयर के लिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि वर्चुअल बॉक्स है तो उसके ऊपर हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल करते हैं. ओके सबसे पहले तो मैं वर्चुअल बॉक्स जो है उसको ओपन कर लूँगा. जैसे कि मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है. अब इसके ऊपर मैं न्यू वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मुझे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा. और जब मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है. तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन मैं इसको Metasploitable रख देता हूं इसका नाम. और फिर यहां से मुझे मशीन का फोल्डर देखना है कहां पे आप इसको स्टोर करवाएंगे और फिर टाइप है, टाइप में आपने इसको बेसिकली लिनक्स करना है. और फिर इस तरह ओरिकल 64-bit है, यहाँ पर आपने वर्जन जो है वो आप Debian 64 कर लें, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन फिर नेक्स्ट जाना है. अब जब नेक्स्ट जाएंगे तो वो पूछेगा रैम कितनी चाहिए. ये जहाँ तक ग्रीन होती है वहाँ तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन मुझे 1 GB इनफ है इसके लिए क्योंकि ये बेसिकली इसे सर्वर मशीन के तौर पे इंस्टॉल होनी है तो 1 GB इसके लिए इनफ है. तो 1024 MB ही मैं सेलेक्ट करूँगा फिर मैं नेक्स्ट जाऊँगा. अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने याद रखना है. ये कहता है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ. आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना, आपने यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल इसको सेलेक्ट करना है. जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि कौन सी हार्ड ड्राइव मैंने यूज़ करनी है. मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ऐड जो लिखा हुआ है ये प्लस का साइन इसको क्लिक करूँगा. जब इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि कहाँ पर इसकी हार्ड ड्राइव जो है पड़ी हुई है. तो मैं यहाँ से अपना इसको ब्राउज़ करूँगा जहाँ पे मैंने इसको अनजिप किया हुआ था, यहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है VMDK जो है फ़ाइल वो हम सेलेक्ट करेंगे. अदरवाइज़ यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट करके VMDK जो है ये फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और ये एक्सटेंशन है बेसिकली VMDK. इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ओपन कर लूँगा एंड देन इसको सेलेक्ट करके चूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं क्रिएट कर लेता हूँ. तो इस तरह ये मेरे पास मशीन जो है क्रिएट हो गई है. ओके जब वंस इंस्टॉल हो जाए तो स्टार्ट करने से पहले मुझे इसकी नेटवर्क की सेटिंग भी करनी पड़ेगी ताकि इसका
मैं नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर करूँ तो फिर मुझे इसी मशीन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग पे जाऊँगा और इसके जो नेटवर्क है इस पे जाऊँगा। यहाँ पे ऑलरेडी नेट है, मैं इसको नेट नेटवर्क पे करूँगा और देन वो जो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम क्रिएट किया था उसी नेम को नेट नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। एंड नाउ मेरा नेटवर्क भी क्रिएट हो चुका हुआ है और इस मशीन की जो डिटेल है वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए जस्ट मुझे स्टार्ट पे क्लिक करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये मशीन बूट होना शुरू हो गई है। और ये कम्प्लीटली बूट हो चुकी है मशीन और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल लॉगिन की ऑप्शन आ रही है। एक चीज़ मैं ये बताता चाहूँ, ये सर्वर मशीन है तो ये आपके ग्राफिकल मोड में काम नहीं करेगी, ये आपके पास इसी तरह कमांड बेस ही आएगी, यानी कि कमांड बेस ही हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर हमें बता रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि दिस मशीन इज़ अ अनट्रस्टेबल नेटवर्क के ऊपर है और ये वल्नरेबल है तो इसको एक्सपोज होने से बचाएं। तो डोंट वरी, वी हम लोग ऑलरेडी जो हम लोग नेटवर्क का सेटअप बनाया हुआ है वो वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर है, यानी वर्चुअल बॉक्स के ऊपर है, तो ये बाहर से इसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके ऊपर ही उन्होंने हमें लॉगिन की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है और लॉगिन करने के लिए मुझे इसका देना पड़ेगा msf admin और इसका सेम पासवर्ड है msf admin। तो ये मशीन बेसिकली मेरे पास लॉगिन हो गई है। ठीक है, तो लेटर हम लोग इसके ऊपर जब काम स्टार्ट करेंगे तो फिर फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। और नाउ इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ। तो पावर ऑफ करने के लिए इसको मुझे कमांड देनी पड़ेगी sudo पावर ऑफ, इसको मैं लिखूँगा तो मुझसे दोबारा से जो इसका पासवर्ड है वो पूछेगा। पासवर्ड इसका सेम अभी है msf एडमिन है, मैं इसको देता हूँ तो ये मशीन जो है ये पावर ऑफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मशीन जो है पावर ऑफ हो गई है। सो दिस इज़ द वे हम लोग जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है वो वर्चुअल बॉक्स के ऊपर हम लोग इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स ऑन अ वर्चुअल बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।